ये फिर कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे? वहाँ पे गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? नहीं, कब से हैं आप? अप्रैल से हैं? एक महीने से। आपने वहाँ क्या देखा? किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ, कौन है? आइए मैडम, आप लोग चाहते हो आप लोग को अलग करके बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। पीछे हूँ, इधर आए। आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहे थे। कपड़ा, ठीक है। जैसा आप समझ सकते हैं, कहाँ गए भाई उनके वो संचालक भाई? ये कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया है आपने? नहीं, खुल लो आप अपने आप। आप चाहते हो मैं सब चीजें खुलवा के बोलूं तो मैं बोलूंगा फिर। अरे भाई सामने बोल रही है। ये कपल रूम डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? स्पा के नियम? सर, लेडीज थेरेपी मेरे यहाँ बहुत आती है इसलिए हमको तो डोर बंद करना पड़े। डोर बनाओगे आप? निकाल देंगे सर। नहीं, वैसे तो डोर का सिस्टम रहना भी नहीं चाहिए लेकिन लेडीज थेरेपी के कारण से उनको रखना पड़ता है। अरे भैया, तो पुरुष जाएंगे तो भी बंद रखोगे तुम? लेडीज थेरेपी लेडीज के लिए मुझे कहानी सुना रहे हो। पुरुष जाएगा बंद रहेगा? कपल रूम का है। तुम चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन पे मिले हैं लड़कों के मैं वायरल कर देता हूँ अभी, तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ। चाहते हो क्या? चाह रहे हो क्या? चाहोगे तो सारे एविडेंस मैं अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जो गलत किए हो मानो कम से कम, ठीक है? बाकी जो कानून का है, कानून में कोर्ट में जाके जो बताना होगा आप बताएं, आपकी अपनी राय रखने का वहाँ अधिकार है। लेकिन जो गलत किए हो समझो, वो पूरा फूरिया मॉल है वहाँ पे। वहाँ पे सारे रहिंदे लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, वहाँ परिवार जाते हैं, बच्चे जाते हैं। इतना तुम लोगों को भर रखा है तुमने। हर्षित भैया पीछे चलिए। चलिए, जो एक पीछे का लड़का सामान सब चीजें लेके आया था। आ जाओ भाई, कहानी सुनाएगा। नंबर क्या है बताओ भाई, वहाँ क्या होता है? क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम से गए थे। होता क्या है थेरेपी के नाम पे वहाँ पे? क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? सर पर्स और मोबाइल जेब से। कितने जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे क्या गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहाँ पे? गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? नहीं था सर। भैया पुलिस की अपनी वीडियोग्राफी है, स्प्रे लाना जी था ना यहाँ पे, सबको यहाँ लाना जी था जब्ती का जो लाए हैं जनाब। स्प्रे क्या करने लाए थे जनाब आप? मेरे पास स्प्रे भी नहीं था सर, मेरे पास मोबाइल और पर्स। भाई इनका मोबाइल है? मोबाइल और पर्स का मीडिया, मोबाइल का इसका जो फीडियर निकालें और कल मीडिया में इनका पूरा जो है ना इसको ये करें। भाई देखो, मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ। ये जो पीला है ना, लाल हो जाओगे पूरे, ठीक है? जो गलती किए हो तो मानो कम से कम, ठीक है? कहानी सुना रहे हो अलग मुझे। कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे तुम लोग। और कितने बजे गए थे तुम वहाँ पे? कितने बजे गए थे? कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे, पता है आपको? कुछ लोग रात्रि मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। सर्विस आवर्स कितने? पता है कितने बजे कहाँ है मालिक आए? 8:30 लास्ट है। मेंबरशिप नंबर क्या है तुम्हारा? मेंबरशिप नंबर क्या है? 803। ये सर इसका मेंबरशिप नंबर, इतने बार आ चुका है जनाब ने पिछले एक महीने में कितना दो तीन महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तुम वाइफ ले चुका है भाई, इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। हाँ भाई, इसी का काम। देखो भाई, मैं नहीं चाहता एक एक करके पलट पलट खोलना, ठीक है? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। जो गलती की हो चुपचाप मानो, ठीक है? नहीं तो अभी तो चेहरा तुम्हारा बंद है, खोलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? जो चीज किए हो मानो, ठीक है? इनके भरोसे मत रहो, साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी। ये तो कोर्ट में जाके कुछ आप मुश्किल में फंस जाओगे, ठीक है? सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत जहाँ बट्टा लगेगा, ठीक है?
ये रईस लड़कियां कैसे लाता था, कांटेक्ट करते थे? नहीं, ये लोग का कांटेक्ट करके लाता कैसे? अब यार ये तो एम्प्लॉयज के नाम पे लाते थे, कैसे करते थे उन चीज़ों पे। पुराने एम्प्लॉयज भी हैं, कुछ 5 साल के हैं, कुछ 3 साल के, उन पे हम नहीं जाते हैं। हमारी चलिए एसपी साहब ये बताइए, पकड़े कैसे अपनी टीम में गई थी? अपनी टीम, हाँ ये बताएंगे सीएसपी साहब, बताएं कैसे कल पूरा कार्रवाई की गई। हमको सूचना थी कि कुछ स्पा में एक काम चल रहा है कि देह व्यापार हो रहा है, तो इसमें हम अपने एक पॉइंटर को भेजे थे कि ये चेक करके आएगा कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या। जैसे ही वो अंदर गया, बातचीत हुआ कि 1500 रुपये दिया और सिग्नल कर दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा वाला चाहिए। एक्स्ट्रा तो 1500 काउंटर पे दे के अंदर गया। भाई एक्स्ट्रा क्या इधर आए जगह? सर हम लोग वैनी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बात, बिल्कुल काउंटर पे सर माइक लगा हुआ है, कैमरे लगे हैं। अरे भाई ये तो सब सुन लूंगा, मुझे ये रोमांचक कहानियाँ नहीं सुननी मुझे पीछे। ये सूचना तो थी पर अब कब से हो रहा था यही, ये चीज मतलब ये भी समय नहीं पता कि कब से हो रहा है, लेकिन बताया गया था कि स्पा में चल रहा है, कई जगह के स्पा में ये चल रहा है। तो जैसे हमने डिसाइड किया कि कहाँ ज़्यादा चल रहा है, उस पहली जगह वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक आदमी को भेजे थे और उसने वहाँ जाने के बाद जैसे ही सिग्नल दिया कि हाँ बात हो चुकी है, अब इसके बाद होगा, तो हम 10 मिनट इंतजार किए और उसके बाद सब लोग महिला आरक्षक को लेकर रेड किया। जब अंदर गए तो ये हमारा पॉइंटर और यहाँ के जो एक महिला है वो संदिग्ध अवस्था में हमको मिली। और फिर जैसे ही हमने पूरा सर्च करना शुरू किया तो कई जगह पे कॉन्डम अलग बाथरूम के ऊपर एक जगह पे कॉन्डम रखा हुआ, कई दरवाजे के ऊपर में कॉन्डम रखा हुआ, कुछ जगह पे यूज कॉन्डम भी हमने जब्त किया। आप तो कॉन्डम सेंटर बना रखा है क्या? क्या हुआ? 1500 रेट और ये पहले फोन करके आते कौन सी लड़की के साथ करना है, कुछ है जो ये सब करते है कुछ नहीं करते, उनका ऐसा मतलब वो सेट बना हुआ है, वो नाम लेके बताए। नहीं नहीं वो फोन पे बात करते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कि कौन कौन आज सर्विस के लिए अवेलेबल है, और जब उनका जो चाहिए वो अवेलेबल है तब वो जाते हैं। सभी लोग यहाँ जितने भी ग्राहक है सब फोन करके आए, सबका सीडीआर डिटेल भी हमारे पास, सब इसमें से कुछ लोग मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर है, ज्यादातर लोग लंबे सेशन लेते हैं, कार्ड मतलब उन लोग का नंबर है, कार्ड सेशन ले लिए हैं। इन लोग ऑफर चला रहे सर 10,000 में 15 सेशन, 10,000 में 15 सेशन, ऐसे उनका 1500 का कुछ है तो ऑफर चला के कुछ कराए थे। कार्ड बटे नहीं है लेकिन नंबर सबके डल गए। पॉइंटर के बारे में बताइए सर। हाँ तो वो जब अंदर गया उसने सिग्नल दिया कि बात हो चुकी है, उसके बाद हमने 10 मिनट इंतजार किया और उसके बाद वहाँ पे जाके रेड किए। यूज कॉन्डम भी हमने उसमें जब्त किया है, वो डस्टबिन से हमको यूज कॉन्डम मिले थे और बाकी जो कॉन्डम के पैकेट अलग अलग जगह पे अलग दो बाथरूम है वहाँ पे छुपाए हुए थे और कुछ बेड के नीचे। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब, इसमें यूज कॉन्डम कहाँ थे आपके यहाँ मिले? सर मैं दुकान में रहता कम हूँ। अरे कम रहते हो तो आपके यहाँ कुछ भी हो जाएगा। वही सर अब नहीं रहने के कारण ये तो ये गलती मानो ना भाई, तुम तो बोल रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा, तो यूज कॉन्डम ये कॉन्डम कोई खाने पीने की चीज है क्या? सर गलत चीज। हाँ गलत चीज ये इनके सर दो महिला मैनेजर हैं जो पूरा एक्सेप्ट किए कि ये चलता है। हाँ ये भी आए जना, ये मालिश का सामान इसने मिला ही नहीं कुछ यार आपके यहाँ। क्रीम है, मसाज क्रीम, मसाज ऑयल, स्क्रब सब यार ऐसा करना, इनका जो क्रीम जो मिला ना, जो मिला वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसको कैसे लगाते हैं यही बताएंगे उसके बाद। मेरे तो समझ से पड़े हैं कि वो कैसे वो लगाया जाए, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ लेकिन मैं तो उसका इस्तेमाल नहीं समझ पाया, ये साहब ही बता पाएंगे उसका इस्तेमाल। अच्छा कोई स्पा करने आता ही नहीं, सब पहले से इसी चीज़ के लिए आते हैं। वहाँ के मैनेजर से भी बात किए थे जो दो महिला मैनेजर। भाई लंबा चलेगा तो तुम्हारी इज्जत जाएगी बता रहा हूँ मैं, ठीक है? शांति से रहोगे जल्दी खत्म हो जाएगा।